में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए CAA NRC के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन बहुजन क्रांति पार्टी के पदाधिकारियों ने किया। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा का है, जहां पर बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक बांदा के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया, जिसमें CAA NRC के विरुद्ध में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन कर 303 मांगों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया और कहा कि हम धरना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी केंद्र सरकार द्वारा 9 एवं 10 दिसंबर को दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन बिल CAA 2019 पारित किया गया, जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है, जो संविधान के आर्टिकल 14 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए इस कानून को हम विरोध कर रहे हैं। संविधान के मौलिक अधिकार के समर्थन में एवं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों पर बर्बरतापूर्वक तरीकों से पुलिसिया कार्यवाही करने का हम विरोध करते हैं। जामिया मिलिया कॉलेज दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नदवा कॉलेज लखनऊ एवं अन्य कॉलेजों के विद्यार्थियों के साथ बर्बरतापूर्वक पुलिसिया कार्यवाही करना, हॉस्टलों को खाली करवाना, बिना अनुमति छात्राओं को हॉस्टल में घुसकर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करना, आज जैसी घटनाओं पर पुलिस प्रशासन के द्वारा अंजाम देना, जैसी सारी घटनाओं को हम घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। आज पूरे देश में CAA और NRC का जगह जगह में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र सरकार की असावधानी नीतियां देश में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया, इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए कानून के खिलाफ राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध कार्यक्रम घोषित किया गया। आज 20 दिसंबर देश में सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन, 3 जनवरी को सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन रैली एवं 30 जनवरी को भारत बंद की घोषणा की गई है। हम चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति संविधान की रक्षा एवं देश में फैली अराजकता का माहौल को रोक लगवाने का कष्ट करें। इस मौके पर रामचरण अनुरागी, राजेंद्र कबीर, मोहम्मद यूनिस खान, लवलेश प्रजापति, राम अवतार, एडवोकेट सुधीर कुमार, जिला संयोजक भारतीय जी, रामलाल प्रजापति, हाजी मोहम्मद यूनुस खान आदि लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार है। हम लोग जो CAA के तहत NRC लागू की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटना चाहती है। हम इसको मंजूर नहीं करते हैं, हम इसको बांटने नहीं देंगे और इस बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। हम देश को पिटने नहीं देंगे और संविधान को झुकने नहीं देंगे। ये बहुजन क्रांति मोर्चा के तत्वाधान में आज धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का प्रोग्राम हुआ है और यही। मेरा नाम है अमलेश भारती, एडवोकेट। अच्छी, बताइए किस लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? आज हम लोगों ने बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन में बैठे रहे और ये धरना प्रदर्शन जो अभी हाल ही में भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल पारित किया है पार्लियामेंट से, उसके विरोध में हमारा मानना है कि जो ये नागरिकता बिल पारित किया गया है और संविधान के आर्टिकल 14 और 15 के विरोध में, यानी असंवैधानिक है। दूसरा, ये एक तरह से भारत के विभाजन का षड्यंत्र है, साजिश है भारत के टुकड़े करने का, और हम टुकड़े होने नहीं देंगे। इसके विरोध में हम लोग ने धरना प्रदर्शन प्रथम चरण का किया, अभी आगे 3 जनवरी को हमारा अगला चरण है धरना प्रदर्शन का, 30 जनवरी को भारत बंद का कार्यक्रम हमने घोषित कर रखा। हम ऐसा करेंगे क्योंकि असंवैधानिक है, भारत के विभाजन करने वाला है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं।